कालिया एक प्रकार का अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है, वो है ईर्ष्या। किसी को आगे बढ़ता देख करके हमारे मन में क्या आती है? ईर्ष्या। अगर कोई हमसे अधिक धनी हो, हमसे अधिक सुंदर हो, हमसे अधिक यशस्वी हो, हमसे अधिक ज्ञानी हो, तो बेसिकली भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है ना, अगर वो भगवान के बिना होते हैं तो क्या आते हैं जीवन में? ईर्ष्या। कौन कौन से ऐश्वर्य भगवान के? सुंदरता। कोई अधिक सुंदर हो, हमसे हैंडसम हो, चलना चाल देखिए, चाल तो देखो इसकी, इसकी ना चाल अच्छी ना चाल चलन अच्छा है इसका। किसी की सुंदरता देख करके ईर्ष्या होती है, किसी का ज्ञान देख करके बड़ा ज्ञानी बन रहा है आपको, कोई नहीं बोल रहे, हर कुत्ते का दिन आता है, बोल ले बोल ले। ईर्ष्या। किसी को पैसा देख करके पैसा कमाया कैसे है, हमारा सारा व्हाइट मनी है, उसका सारा ब्लैक मनी है, और क्या नहीं तो ईर्ष्या। यश देखकर, प्रसिद्धि देखकर कहते हैं कोई नहीं भाई, तू भी लूट ले बेटा, कोई नहीं, तू यश, तू यश लोग जाएगा, हम वो लोग जाएंगे। ईर्ष्या। लेकिन ईर्ष्या भला कैसे करती है? ईर्ष्या करती है ये कालिया दमन की लीला को बार बार श्रवण करेंगे अगर हम, तो हमारे हृदय में भी जो ईर्ष्या रूपी कालिया है हमारे चित्त के अंदर, हमारी चेतना के अंदर, इससे हमारा शुद्धिकरण हो पाएगा। वो कालिया जो है भगवान उसको डिटॉक्स करेंगे, ईर्ष्या निकलेगी हमारी। रूपा जी के पास एक भक्ति गया, तो उसने बोला श्री प्रभुपाद, समटाइम्स व्हेन आई सी डिवोटीज बिकमिंग बेटर इन देयर भक्ति, आई बिकम एनवियस, मेरे में ईर्ष्या आती है। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला, अगर तुम्हारे मन में ईर्ष्या आती है कभी किसी भक्त को आगे बढ़ता देख करके, तो उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज है वो देखा करो। उस भक्त ने बोला, श्री प्रभुपाद मैं देख तो लूंगा, पर वो बड़ा मैकेनिकल होगा, मतलब बड़ा बाहरी होगा, बड़ा कृत्रिम होगा वो। प्रभुपाद जी ने बोला, इवन वो मैकेनिकल होगा, स्टिल डू इट, फेक इट टिल यू मेक इट। भले ही बाहर से प्रशंसा करो, प्रभु जी आप बड़े अच्छे हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, बड़ी तपस्या कर रहे हैं, और नहीं निकलने वाले हमारे अंदर से, इतना ही था बस, इतना मैकेनिकली इतना ही निकाल पाए हम। लेकिन करते 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 हमारा स्वभाव चेंज होता है, एंड वंस एप्रिसिएशन ग्लोरिफिकेशन, ये हमारा सेकंड नेचर बन जाता है। दैट मींस हमारे अंदर की ईर्ष्या सिग्निफिकेंट रूप में अब शिथिल बढ़ गई है। पर कैसे होगा ये, हमें करना चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण का जो कालिया दमन की जो लीला है इसका श्रवण करना चाहिए बार बार। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं हमारा लाभ करने वाली है। जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कोयले सुविस्तार, जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कोयले सुविस्तार। जितना प्रपंच है भगवान को पूरी सृष्टि में लीला इत्यादि करना किसके लिए है? ये जीवेर कारणे, हमारे लिए भगवान यहां लीला करने के लिए आते हैं, क्योंकि हर एक लीला से भगवान हमारा अनर्थ काटते हैं। या